नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सिटी से आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज है संडे। अभी हम धीरे धीरे सब उठ रहे हैं। संडे के दिन हम थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि हर दिन मतलब राकेश 7:30 को ऑफिस चले जाते हैं, इसलिए उससे पहले उठ के उनके लंच और ब्रेकफास्ट सब बनाना पड़ता है। इसलिए सैटरडे संडे राकेश का ऑफ है। सैटरडे संडे हम थोड़ा सा लेट में उठते हैं। लेकिन आज एक्चुअली क्या होना फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो गया, मतलब 8 बज गया है। अभी सब हम धीरे धीरे उठ रहे हैं। एक्चुअली आज मेरी मेड भी नहीं आ रही, इसलिए सुबह कोई डिस्टर्ब भी नहीं करने के लिए नहीं है। ये मेरी मेड 7 बजे आ जाती है, ठीक है, तो इसलिए वो भी आज नहीं आई, तो हमको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। और 1 घंटा एक्स्ट्रा हम सो गए सुबह उठ के। अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने और मेरे देवर अभी फ्रेश हो रहे हैं और राकेश भी उठ गए हैं। श्री को थोड़ा सा उठने में टाइम लगेगा, ठीक है। अभी देख लीजिए सुबह के टाइम, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है बालकनी में, बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं, शायद बालकनी में बैठ के हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे बालकनी से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं हमारे सोसाइटी का। फ्रेंड्स, मैं एक दिन ना आप सबको ना हमारे सोसाइटी टूर करवाऊंगी, ठीक है। बहुत बड़ा सोसाइटी है ये वाला एरिया में, इतना बड़ा सोसाइटी आपको नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बीच में दो बिल्डिंग के बीच में जो आप देख रहे हैं, यह हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो आप सब देख रहे हैं ना, यह हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आपको एक दिन मैं हमारे सोसाइटी का टूर भी करवाऊँगी, ठीक है। बहुत ही हल्का हल्का हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये जो मतलब आपका जो ये बाउंड्री है ना, इसके अंदर में जो है वो हमारी सोसाइटी है। इसके बाहर में जो है, मतलब ये जो सब कार वगैरह है ना, ये दूसरी सोसाइटी है। और अभी जस्ट धूप आना स्टार्ट हुआ है। दूसरी सोसाइटी मतलब हमको भी थोड़ा सा व्यूज देखने के लिए मिल जाता है। पास पास में दो सोसाइटी है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको तो मैं थोड़ा बहुत हमारे सोसाइटी तो दिखा चुकी हूँ, और मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में भी आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। मेरे बर्थडे वाला ब्लॉग में मैं सोसाइटी का जो मंदिर है वो भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। एक दिन मैं हमारे सोसाइटी का आपको टूर मतलब व्यूज़ दिखाऊँगी, कितना अच्छा व्यूज़ है और कितना अच्छा लगता है और कितना मतलब नीट एंड क्लीन है, ठीक है। फ्रेंड्स चलिए सबको उठाते हैं और कॉफ़ी बनाते टाइम आप सबसे सब बात करेंगे। फ्रेंड्स चलिए श्री को उठाते हैं। श्री, नानू, ए श्री, उठना मम्मा, उठो उठो, 8 बज गया, उठो, आओ तो आ बेटा मम्मा के पास। श्री उठने की नाम नहीं ले रही है। फ्रेंड्स देखिए, श्री बिल्कुल नहीं उठ रही है। श्री, ननु देखो देखो, ओपन योर आईज। श्री, ए श्री, अरे श्री, एक सबको जस्ट आईज ओपन कर दो, सबको देख लो फिर सो जाना।
दूसरी, आप खोलो ना, खोलो। नहीं उठ रही लड़की, चल चल मम्मी जा रही है, चल मम्मी जा रही है, चल 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 मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्या हूँ, उठो, खोली खोली श्री ने आँख खोली, आँख खोली, आँख खोली। मैं जा रही हूँ, क्यों नहीं जाऊं, आप तो उठ नहीं रही हो, देख नहीं रही हो, मम्मी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही हो। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, और सबको कर दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम करो। फ्रेंड्स अभी हम सब कॉफी पी रहे हैं, देखिए देखिए फ्रेंड्स श्री अभी उठ के आके मेरे पास बैठी है। क्या हुआ, ये सब देख रही है, क्या हुआ, दूध पीना है, पीडियाश्योर पीना है, दूध पीना नहीं, चिकन खाना है, चिकन खाना है, चिकन खाना है। मेरी बेटी चिकन लवर है, चिकन उसको बहुत पसंद है, हर चीज़ में चिकन चाहिए, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, और भी कुछ कुछ बीच बीच में भी दे देंगे तो इतना चिकन पसंद ना बेटा, चिकन पसंद है नहीं। चलिए फ्रेंड्स हम हमारा कॉफी एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स बहुत टाइम के बाद अभी मिल रहे हैं, मैं अभी नहा के पूजा कर खत्म करके आ गई, पता नहीं साउंड हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए, थोड़ा सा सिंपल वाला एक पनीर और पटाटो सैंडविच बनाती हूँ, आप सब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं ओनियन छोटा छोटा 4 ओनियन ले ली हूँ, और पटाटो का वो छिलका निकाल के उसको बॉयल करके ले ली हूँ, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ले ली हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी। यहाँ पे बटर है, बटर ली हूँ, और पनीर को थोड़ा सा मैश करके मैं ली हूँ, और ब्रेड और हमारा मेयोनीज, इसमें अभी हम सैंडविच बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आलू को मैश कर दूंगी। एक्चुअली फ्रेंड्स मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च नहीं डाली हूँ। आप सबको पसंद है तो आप सब हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, नहीं तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, लेकिन श्री बिल्कुल नहीं खा पाती है इसलिए मैं इसमें तीखा ऐड नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं 4 पीसेस ब्राउन ब्रेड ली हूँ, उसके ऊपर अभी जो हम आलू को मैश करके जो बनाए थे उसको अभी इसमें डाल दूंगी। और इसको अच्छे से हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और इसके ऊपर जो पनीर को हम मैश करके रखे थे थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे। और जो भैंस मेयोनीज लिए हैं इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे।
को अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर देंगे। फिर इसके ऊपर और ब्रेड लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं सैंडविच मेकर में अभी बटर को थोड़ा थोड़ा ऐसे क्रश कर दी हूँ, इसको ऐसे थोड़ा सा भी डाल देंगे। आपको बटर पसंद ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम काट देंगे सैंडविच को, बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अभी हम इसे काट देंगे। और हमारा सैंडविच मेकर भी बिल्कुल गर्म हो गया है, इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। फिर अभी ये बंद कर देंगे। ये कम से कम 2 मिनट के अंदर फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर और जितना हम रेडी करके रखे थे उसको भी फिर हम काट देंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी 2 मिनट के बाद हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा सैंडविच। अभी हम निकाल के सर्व कर लेंगे टमाटो केचप के साथ। ये बहुत गर्म है अभी, बहुत ही सावधानी से निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, बनके रेडी हो गया हमारा सैंडविच, पटाटो और पनीर सैंडविच। देखिए अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है, पनीर भी है, मेयोनीज भी है और पटाटो भी है। चलिए फ्रेंड्स, राकेश को देते हैं और पूछते हैं सैंडविच कैसा लगा उनको। ये कौन सा सैंडविच है जी, क्या क्या है इसके अंदर? चीज नहीं है इसमें, मेयोनीज है। मेयोनीज और पनीर, हाँ पनीर पटाटो सैंडविच इसका नाम है। टेस्टी ओके। चलिए फ्रेंड्स उनको खाने देते हैं। अभी फ्रेंड्स हम भी खाना खा लेते हैं। चलिए अभी हमारे देवर बिजी है। किस ओ जी, किसके साथ बिजी हो? देवरानी के साथ। हाँ आहा, दूल्हे राजा को फोन कर रहा है शादी करने के लिए। चलो 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 चलो, देखो दूल्हे राजा कैसे भाग रहे हैं। शादी शादी हो गया, शादी का टाइम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम भी खाना खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम बहुत टाइम के बाद अभी मिल रहे हैं। अभी टाइम हो गया 5:30। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, अभी थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग करना है और कल सुबह मेरे देवर चले जाएंगे वो उड़ीसा, ठीक है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लंच में थोड़ा सा बिजी रहेंगे। लंच में आज बनाए थे वही पखाल, और पखाल आप नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, पखाल उड़ीसा स्पेशल पखाल। तो वो बना के आज खा लिए हैं, ठीक है। और खाना खा के थोड़ा सा सो गए थे, अभी हम निकल रहे, थोड़ा सा शॉपिंग बाकी है वो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। श्री श्री हेलो बोल लो। हेलो हेलो बोलो, आप सब कैसे हो? आप मुझे प्यार करो, प्यार करो। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।